एसी, फ्रिज, कुछ भी फ्रिज चला सकते हैं। पट्टे कुतने वाली जो मशीन है ना, हाँ हाँ, वो भी इस पर चल सकती है। 100 साल आपको ये बिजली फ्री बना के देगा। 2.5 जो है ना किलो बनाती है, 15 किलोवाट तक ये इसकी कैपेसिटी है बनाने। 10,000-20,000 लोगों के बिल आते हैं, ये काम खत्म हो जाएगा। सोलर जो है वो आ रहा है 10 लाख, हाँ। 12 लाख में अच्छा जो सोलर है उससे, ये वो सिर्फ दिन को चलता है जाएगा, ये रात दिन चलेगा। इसका कोई मौसम का मसला नहीं, कोई धुंध का कोई मसला नहीं है, 24 घंटे ये जो है ना फ्री चलेगा, फ्री चलेगा। 100 साल जो है ना ये चलेगा, चलेगा, ये चलता रहेगा, बिजली बनाता रहेगा और पानी नीचे फेंकता रहेगा। पानी जो होगा नाजी, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपके खेतों को शराब करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एहसान हमीद आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला मंडी बहाउद्दीन बिखी शरीफ में। नाजरीन, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक फ्री ट्यूबवेल प्लांट, जो कि एक फ्री वाटर व्हील प्लांट है, जो आगे आप इस्तेमाल करके फ्री पानी, फ्री एसी, फ्रिज, कुछ भी फ्री चला सकते हैं। मेरे साथ ये नौजवान मौजूद है जिन्होंने ये बनाया, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस है। मुझे बताएं कि अहतशाम आपको ख्याल कैसे आया? अब मैंने ये नेट पर देखा, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी लोगों ने बनाया हुआ है, ये ज़्यादातर तो यूरोप कंट्रीज़ में है, इधर पाकिस्तान में नहीं है। ऐसे ही है जी, मैंने देखा तो मैंने कहा शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे बताया कितना टाइम इसको लगा? तकरीबन 1 साल लगा। 1 साल लगा जी, जी। नाजी, इसका थोड़ा सा मैं आपको प्रोसीजर समझा दूं कि ये चलता कैसे है जी? जी, जी। इसका काम है फ्री आपको पानी देना। अच्छा जी, ये है कैसे जी, मैं आपको बताऊँ कि ये व्हील है ऐसे जी, जिसे जी वाटर व्हील बोला जाता है, और इसके अंदर ये जी इन्होंने टीन वगैरह लगाए हुए हैं, डब्बे लगाए हुए हैं जो कि पानी को फेंकते हैं। ये 50 से ज़ायद इसके अंदर ये डब्बे लगे हुए हैं, और इसके अलावा ये पूरा लकड़ी का बनाया हुआ फ्रेम, और इसके साथ नाजी वो सामने आप देख सकते हैं ब्लू डैनमो है, जिसे जो कि करंट बनाती है, बिजली बनाती है, और इसके साथ वो नीचे से एक जी सोलर मोटर लगी हुई है जो कि पानी 4 इंच के पाइप से इसके ऊपर नाजी फेंकती है, ये घूमता है। घूमने के बाद इसका बेल्ट जो है व्हील का एक लगाया हुआ है वो सामने डैनमो के ऊपर, और डैनमो जब घूमती है तब वो बिजली बनाती है। और अगर इसकी मैं बात करूं नाजी, इनका टारगेट 7 किलोवाट का है। अभी ये करंट कितनी बना रही है जी? 2.5 बना रही है। 2.5 पे हम लोग क्या क्या चला सकते हैं? इस पर एक एसी चल सकता है, और पंखा, बल्ब, पट्टे कुतने वाली जो मशीन है ना, हाँ हाँ, वो भी इस पर चल सकती है, पंखे वगैरह चल सकते हैं, चल सकते, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा नाजी, अगर जो सोलर मोटर है वो स्टार्ट में जब चलती है पानी वो ट्यूबवेल से फेंकती है जी, तब ये चलता है, लेकिन बाद में क्या होगा जी, इसके बाद सोलर का जो वो 7 किलोवाट जो कनेक्शन पीछे इन्होंने सोलर की वो वायर आ रही है चला रहे हैं, वो कनेक्शन इसका बंद कर देंगे, क्यों, जब ये चलेगी, ये बिजली जब बनाएगी ना तो इसका स्विच फिर उसके बाद जी वो मोटर के अंदर लगा देंगे, डैनमो के साथ लगाएंगे, और फिर क्या होगा जी, जो ये बिजली बनाएगा और वो मोटर खुद ब खुद चलेगी, और जो पानी बनेगा इसके ऊपर जो पानी इसके ऊपर गिरेगा वो खुद ब खुद यहाँ से निकलता जाएगा। एक तो पानी के साथ ये घूमता रहेगा, और दूसरा ये है कि ये चलता रहेगा। अच्छा, मुझे बताया कितना खर्चा है इसके ऊपर? इसके ऊपर तकरीबन दोनों के ऊपर आ गया 3 लाख। 3 लाख जी, जी। तो ये पूरी 7 किलोवाट क्यों नहीं बना रही? अभी ये जो हमने पहले बनाया था ना, ये छोटा जी, ये 8 फुट का है। 8 फुट का जी, जी, जी। इसने किस किस को बनाया था, तब ये डैनमो सिर्फ चिंगाड़े निकालती थी, नहीं चलती थोड़ी सी भी नहीं, ठीक है। फिर हमने ये 20 फुट का बनाया, ये 20 फीट का जी, जी, ठीक है। ये अब जलाते हैं तो ये 2.5 जो है ना किलो बनाती है बिजली, तो इसका ऊपर आ जाए मेरे साथ। अच्छा, इसमें मसला क्या है, क्यों नहीं पूरी बना रही है, क्या आपको नजर आया इसमें? इसमें हमें जो मसला नजर आया, ये जो व्हील है ना, हाँ जी, वाटर व्हील, ये छोटा है, छोटा है जी, जी। अच्छा जी, ये छोटा है ना, इसके बाद हम अभी इसको 40 फुट, हाँ, तकरीबन 30-40 फुट बनाएंगे ना, उसके बाद ये जो है ना ठीक तकरीबन 7 बनाएगी किलो वाट बिजली, 7 किलो बनाएगी जी, जी बनाएगी, ठीक है। तो इसमें और मसाइल वगैरह आप क्या क्या फेस कर रहे हैं? मसाइल इसमें यही है कि इसको थोड़ा बनाने में मुश्किल है, भारी है, वजनी है, हाँ। तो इसके साथ ये गियर बॉक्स भी लगाया हुआ है, ठीक है जी, जी, जी। तो इसकी लाइफ कितनी है? इसको 100 साल भी सही बंदा बनाए ना, तकरीबन सही, हाँ, सही बनाए तो इसके ऊपर तकरीबन 100 साल जो है ना ये चलेगा, चलेगा बगैर टेंशन, बगैर टेंशन के, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसको मौसम किसमें, हमने मौसम वगैरह तो कोई इफेक्ट नहीं है? कोई मौसम का मसला नहीं, कोई धुंध का कोई मसला नहीं है, 24 घंटे ये जो है ना फ्री चलेगा, फ्री चलेगा। अभी भी हम लोग अपने डेरे वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसे चला सकते हैं, जिधर आप चाहें चला सकते हैं जी, जी, बिल्कुल, मतलब फ्री बिजली ये पैदा करता है, पैदा करेगा ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि
किसी भी एरिया में किसी भी जगह पे हम लोग इसे चलाएं, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं। इसको बेहतर करना हो तो आपने क्या क्या सोचा इसके लिए? इसको बेहतर बनाने के लिए जो इसका वाटर व्हील है ना, ठीक है, तकरीबन 40 फुट का है, 40 फीट का है ना जी। इधर मैं आपको दिखाऊँ की ये अभी सोलर का ट्यूबवेल भी चल रहा है और ये इसको बाद में इसके ऊपर फ्री चलाते हैं। आज ये बंद क्यों किया हुआ है? ये आज हमको पानी की जरूरत थी ना। अच्छा, ऊपर से जब गिरता है तो थोड़ा प्रॉब्लम बनता है, ये जो है ना खाली, ये तकरीबन जो है ना अभी नहीं पक्की बनी, ये औजी है, ठीक है, इसको हमने पानी लगाना था इसलिए इसको चला दिया, ठीक है। नाजरी मैं आपको बताऊंगी 4 इंच का पाइप जो ऊपर पानी फेंकेगा तब ये घूमता है, तो क्या जी, एक तो व्हील घूमता है, बिजली पैदा करता है, वो डायनमो को घुमाता है, बिजली पैदा करता है, साथ में जो पानी है वो पानी आपका इस्तेमाल भी करते हैं, आप अपने खेत वगैरह सराब कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं एड्रेस क्या, अगर कोई आना चाह रहा है, कोई देखना चाह रहा है? एड्रेस जो है ना मंडी बावलदीन का, हाँ, ये डेरा भिक्की शरीफ में डेरा होता है, टिब्बा मौलू गोंदल, ठीक है। जो भाई भी आना चाहे, विजिट करना चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मोस्ट वेलकम। और ये आपका भी काम जो प्लांट चल रहा है? जी अभी ये इस पर काम थोड़ा बहुत चल रहा है, ठीक है जी। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते आप तो। अभी इसलिए आप मुझे बता रहे हैं इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम एसी वगैरह नहीं चलाने होते जी, जी। तो हमें सिर्फ पानी के लिए इसको चलाया, तो चला किसान को कितना फैसिलिटेट करेगा, किसान को कितना फायदा देगा ये? तकरीबन ये आजकल जो बिल आते हैं ज्यादा मोटरों के 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लोगों के बिल आते हैं, ये काम खत्म हो जाएगा किसान के लिए, किसान के लिए फायदा इसका, ठीक है। ये एक बार थोड़ा खर्चा है, अभी सोलर जो है वो आ रहा है 10 लाख 12 लाख में, अच्छा जो सोलर है उससे ये वो सिर्फ दिन को चलता है, तो ये इस पर 3-4 लाख सही लगाए ना, 6 लाख तक तकरीबन खर्चा करें ना अच्छा, तो ये ठीक बन जाएगा, ये रात दिन चलेगा, इसका अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चक्कर कितने एक मिनट में कितने रेवोल्यूशन देता है इस? ये 4 चक्कर एक मिनट में लेता है अगर इसके साथ गेयर बॉक्स है अच्छा लगा हुआ है, अगर ये एक चक्कर लेगा ना पूरा वो 10 चक्कर लेगा। अच्छा अच्छा, एक ये चक्कर लेगा गियर बॉक्स 10 लेगा और ये साथ में फिर डेनवर रोटेट करेगी जी, जी। और ये प्रॉपर चलेगा। नाज़रीन इन लोगों ने वो पीछे सोलर प्लेट्स लगाई हुई हैं जी, इन्होंने 18 सोलर प्लेट्स लगाई हैं, 440 वाट की एक प्लेट है और जिसके ऊपर ये मोटर चल रही है, ये मोटर चेक करें और क्या होगा जी, जब वहां से पानी आएगा और ये वाली जब पानी यहां से नाज़रीन ये ऊपर उसके ऊपर वाटर व्हील के ऊपर गिरेगा तो तब वो वाटर व्हील घूमेगा और क्या होगा जी, वो फिर वो डायनमो को घुमाएगा जिससे बिजली पैदा होगी, जब बिजली पैदा होगी नाज़रीन इन्होंने ये स्विच लगाया हुआ है वहाँ से, अभी वो पीछे सोलर का जो 7 किलोवाट पे अभी ये मोटर चला रहा है, तब क्या होगा जब वो डायनमो बिजली बनाएगी, ये वाला जो सिस्टम डायनमो वाला होगा, क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है जब ये चक्कर घूमेगा तकरीबन वो एक कौन सा उसने एक मिनट में बिजली बनाना बंद कर देनी है, तो क्या होगा जी उसका फौरन स्विच निकाल के दूसरा डायनमो वाला इसके अंदर लगा देंगे, फिर क्या होगा जी ये मोटर चल पड़ेगी, फिर वो पानी एक साथ घूमता रहेगा ऊपर, पानी चक्कर के ऊपर व्हील के ऊपर पड़ता रहेगा और फिर क्या होगा जी आप ये चलता रहेगा, बिजली बनाता रहेगा और पानी नीचे फेंकता रहेगा, पानी जो होगा नाजी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से आपके खेतों को शराब करेगा और ये पानी आप काबिल इस्तेमाल करेंगे अगर आप पाकिस्तान में फ्री इसे चलाना चाहते हैं। उसके बाद जी अगर मैं बात करता हूँ, ये देखें जी ये 4 इंच का पाइप है, ये 4 इंच का पानी का पाइप ही आपको फ्री देगा जब ये 7 किलोवाट बनाएगा। अभी ये 2.5 बना रहा है, इसके ऊपर कम चीज़ें चल रही हैं, जैसे उन्होंने बताया कि एसी वगैरह भी इसके ऊपर आप चला सकते हैं। अगर मैं दिखाऊं वो डायनमो है जी जिसको मोटर बोलते हैं और वो थोड़ा आगे है जी, वो इसके साथ आज शाफ्ट लगी हुई है और जब वहाँ से ये व्हील घूमता है जी और तब यानी कि ये व्हील एक चक्कर लेगा और वो 10 चक्कर लेगी और उसके साथ ये डायनमो घूमेगी, फिर क्या होगा जी ये ऊपर लिखा हुआ 15 किलोवाट तक ये इसकी कैपेसिटी है बनाने की बिजली, लेकिन अभी ये 7 तक बनाएगी जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन इससे भी ज़्यादा भी बना सकती है अगर ये व्हील बड़ा हो जाए, इसका साइज़ बड़ा हो जाए तो ये आप आसानी से बिजली बना के फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन ये पाकिस्तान में एक नई टेक्नोलॉजी है, गोरे करते हैं लेकिन अब ये लोग भी यहाँ पे लेके आए हैं, मैंने कहा जी मैं आपको दिखाऊँ इन्फॉर्मेशन दूँ कि इसको आप किस तरह लगा के फ्री बिजली बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त किसान को बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, वो खुद परेशान है, घर के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी। इसके लिए नाज़रीन ना सोलर प्लेट्स चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। एक बार आप इसको पहले तो इन्होंने सोलर प्लेट पे इसको रन करते हैं स्टार्ट में 1-2 मिनट के लिए, आप इसको बिजली पे भी अपनी घरवाली के ऊपर एक बार रन कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे टोटली इसी के ऊपर कर देंगे, फिर यही चलेगा, यही बिजली बनाएगा और आपके खेत भी शराब करेगा और आप खुद भी बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन ये मैंने कोशिश की कि तमाम आपके सवाल जो थे आपके माइंड में उसका मैंने आपको जवाब दिया कि ये पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस है, किसको इस तरह ख्याल आया, और मैंने भी लाहौर से इनका सेटअप देखा तो मैं भी इनके पास इंटरव्यू करने आया जी, मैंने कहा दिखाएं जी ये लोग क्या बना रहे हैं, क्या फ़ायदा दे रहे हैं और ये आपको ताहयात फ्री बिजली देने वाला है, ऐसे ही है जी। और ये देखिए 8 पास नौजवान है और इसने इतना बड़ा ये कारनामा सर अंजाम दिया हुआ और इसको लकड़ इसलिए इस्तेमाल किया, इसको जंग वगैरह ना पड़े, जंग पड़ेगा तो आपको पता है इसकी लाइफ कम हो जाएगी। अगर उन्होंने अंदर लोहे के डब्बे इस्तेमाल किए, आप इसको प्लास्टिक भी इस्तेमाल करके आप ये
इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजी ये पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस था। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है, आप इंजीनियर हैं, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैंने भी उनको एक दो सजेशन दिए हैं, आप भी इनको अपनी अच्छी सजेशन दे सकते हैं ताकि इनका अगर टारगेट 7 किलोवाट का, तो ये 7 किलोवाट आसानी से इससे पैदा करें और आप लोग भी इसको लगा सकते हैं, बना सकते हैं। तमाम डिटेल्स आप सिखा देंगे जी, जो भी पूछना चाहें कोई मसला नहीं, हम बता देंगे। नाजरीन आपके साथ बड़ा अच्छा आज मैंने बिजनेस आइडिया भी शेयर किया और एक अच्छा प्लांट की इन्फॉर्मेशन भी शेयर की। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए भिक्खी शरीफ मंडी बहुत दिन शेरों के शहर से इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।